Exercise 10.1, question number 1, find the measures of the angles marked with letters. हमने एंगल्स बताना है जो लेटर के साथ मार्क किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें दो एंगल गिवन नजर आ रहे हैं, एक एक्स नजर आ रहा है, एक 46 कॉन्स्टेंट वैल्यू. इसका मतलब है कि ये जो एंगल लिखा हुआ है ये 46 है, ये जो लेटर के साथ मार्क किया हुआ है ये हमने फाइंड करना है. अब देखिए कि अगर एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल जो है वो 180 होता है, एक लाइन का जो एंगल है वो 180 होता है. इसका मतलब है कि जो डायग्राम लिखी हुई है इसमें जो एंगल बन रहा है PQS एंड QSR, ये टोटल अगर इनको सम करते हैं तो ये इसके इक्वल होगा 180 के. तो इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल PQS प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल RQS, ये इक्वल होगा 180 डिग्री. इसके आगे हम इसकी रीजन ये लिखेंगे कि ये सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, अगर सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आपने नहीं लिखना तो आप लिखेंगे एंगल एडिशन पार्शियली, ये वर्ड भी आप लिख सकते हैं. तो हम लिखते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी यू एस ये हमारे पास कितना है, एक्स, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल आर यू एस ये कितना है, 46 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखें 46 इस साइड पे ऐड हो रहा है, अगर हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 180 माइनस 46. 180 माइनस 46 आंसर विल बी 130